अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, यू आर वॉचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाज़रीन, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आज भी इत्तेफाक की राय कायम नहीं हो सका। अब इन अहम जो अपॉइंटमेंट्स हैं इन पर हुकूमत और अपोजिशन मिलकर फैसला नॉर्मली करते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत और मौजूदा अपोजिशन में डे वन से ही वर्किंग रिलेशनशिप जो है उसका फुकदान नजर आ रहा है हमें। और ये कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत जैसे अहम इशूज पर जो हमें आईनी तरमीम करनी है उससे पहले इलेक्शन की जो अपॉइंटमेंट है उसके मामले पर ही दोनों जानिब से अगर लचक का मुजाहरा नहीं किया जा रहा तो फिर ये आगे के लिए क्या तासुर कायम होगा। आज हमने देखा कि आज भी फैसला ना होने पर मुतहदा अपोजिशन ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और मुतहदा अपोजिशन की जानिब से जो पिटीशन फाइल की गई है उसे मौकफ अपनाया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर December 6 को रिटायर हो जाएंगे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन गैर फाल हो जाएगा, जिससे इंतखाबात का पूरा सिस्टम स्टैंड स्टिल होता नजर आएगा। और फिर पार्लियामानी कमेटी में इत्तेफाक ना होने के बाद हमने देखा कि आर्टिकल 213 जो है वो भी बिल्कुल खामोश है, जिससे कि एक आईनी बहरान जो है वो पैदा हो जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक राय ना होने के बायस अब वाहिद रास्ता जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही नजर आ रहा है और मुतहदा अपोजिशन की इस दरख्वास्त से तो वाजे हो चुका है कि हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक हरगिज नहीं हो पा रहा। अब सवालात यहां पर ये उठाए जा रहे हैं कि ये जो सियासतदान जिनकी जिम्मेदारी होती है कि अहम कौमी मामलात पर वो मिलकर फैसले करें, अगर वो फैसले नहीं करेंगे और मामलात इदारों के पास जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट्स के पास ही जाएंगे तमाम मामलात, तो फिर पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कैसे कायम रहेगी और फिर पार्लियामेंटेरियंस का क्या फायदा अवाम को, हम इस अहम इशू को भी अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे अपने शो में। दूसरी जानिब अगर बात की जाए, मुस्लिम लीग नवाज के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब ने आज लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने नैब की जानिब से जो उनके एसेट्स फ्रीज करने के ऑर्डर्स आए थे, कल हमें वो नजर आए थे, तो वो ऑर्डर्स आते हुए उस पर उन्होंने कहा कि नैब न्याजी गठजोड़ उनको अदालत में जो है ले जाना चाह रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत में आशियाना केस में मुझे सुरखरू किया गया। इमरान खान को शदीद तनकीद का उन्होंने निशाना बनाते हुए कहा कि इमरान खान से बड़ा झूठा शख्स नहीं है और वो बड़े गुस्से में नजर आए और काफी गुस्से में भरे हुए उन्होंने बयान दिए खान साहब के खिलाफ। और उन्होंने इन हाउस तब्दीली की भी बात की और उन्होंने इन हाउस तब्दीली से मुतालिक सवाल पर जब जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी इन हाउस तब्दीली लाई जाए उसमें ही कौम की बेहतरी है, क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तानी इकोनॉमी को तबाह कर दिया है और पाकिस्तान अब इसका मजीद मुतहमल नहीं हो सकता। हम आपको सुनवाएंगे भी सवालात से पहले कि एग्जैक्टली व्हाट डिड शहबाज शरीफ से इन हिज प्रेसर टुडे, और साथ साथ हम ये भी सवाल उठाएंगे कि आखिर ये अचानक से इतना सख्त रवैया क्यों नजर आ रहा है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से वजीर आजम इमरान खान के हवाले से। पिछले दिनों शहबाज शरीफ बड़े खामोश नजर आए थे और फिर हमने ये भी देखा कि हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान जो ये सख्त अल्फाज का इस्तेमाल है उससे जो नेशनल इशूज हैं वो काफी हद तक मुतासर हो जाते हैं, और हम इस पर भी बात करेंगे कि आखिर कब एक तहमुल मिजाजी का जो है और एक लाइन डिफाइन की जाएगी अपोजिशन और हुकूमती वुजरा के दरमियान के नेशनल इशूज पर, पब्लिक इशूज पर कम अज कम वो जो है एक टीम वर्क करके आगे बढ़ते हुए नजर आए। और साथ साथ शहबाज शरीफ अभी जो इन हाउस तब्दीली की बात कर रहे हैं, बिलावल हाउस बिलावल जरदारी ने भी इन हाउस तब्दीली की बात की थी, तो ये बार बार क्यों हमें इन हाउस तब्दीली की गूंज जो है अपोजिशन की तरफ से आती हुई नजर आ रही है। साथ साथ जो फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब हैं उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो दरख्वास्त जमानत थी उस पर हेयरिंग हुई, जिसमें कोर्ट्स की जानिब से मेडिकल बोर्ड बनाने का फैसला किया गया है और अब हेयरिंग एडजर्न हो गई है December 11 तक। ये हमारा आज का रनडाउन है, बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद आवर डिस्कशन हम अपने ऑनरेबल पैनल का आपसे इंट्रोडक्शन करवाते चलें। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, मिनिस्टर ऑफ एनर्जी फॉर पंजाब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, और हमें टेलीफोन बीपर पर ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सेनेटर गौस मोहम्मद खान न्याजी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है, और हमें पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भी ज्वाइन करेंगे कुछ देर में। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जैसे कि आपने आज का रन डाउन हमारा सुना है और हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब बड़ी धुआंधार प्रेसर करते हैं आज लंदन से बैठकर, और वो बड़ा शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं वजीर आजम इमरान खान साहब को। लेट्स लिसन टू दिस प्रेसर फर्स्ट एंड देन वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन हियर। इससे ज्यादा कौम के अंदर
یعنی تقسیم پیدا کرنے والا وزیراعظم نہیں دیکھا، اس سے زیادہ ایک ایگوسٹک، ایک احسان فراموش، ایک غصے سے بھرا ہوا اور اپنی ذات کو پاکستان سے اوپر دیکھنا، پاکستان کے انٹرسٹ کو سبارڈنیٹ کرنا اپنی ذات سے، یہ وہ تقریباتیں ہیں جو پوری قوم پچھلے 1.5 سال سے اب مشاہدہ کر رہی ہے. کل نعیم بخاری کے دم دبا کر بھاگ جانے سے نائب نیازی کا گھڑ جوڑ ایک مرتبہ پھر ایکسپوز ہوا ہے. جو انہوں نے منجمد کیے ہیں جو کل اساسے نائب نے، اس کی سامنے آ جائیں گے. میرے سارے ایسٹ ڈکلیئرڈ ہیں. ان ہاؤس چینج از پیورلی کانسٹیٹیوشنل لیگل وے فارورڈ، اور میں سمجھتا ہوں جتنی جلدی ان ہاؤس چینج لائی جائے اور عمران خان نیازی جو کہ ایک بوجھ بن چکا ہے پوری قوم کے اوپر، تمام 22 کروڑ عوام کے اوپر یہ بوجھ بن چکا ہے، اس سے جتنی جلدی جان چھڑائی جائے. اس میں یقین کر لیں کہ میری کوئی ذات کی بات نہیں ہے. جی، جیسا کہ آپ نے ابھی یہ پریسر کے جو میجر ٹاکنگ پوائنٹس تھے وہ سنے، لیکن ہم اس سے اہم ایشو سے سٹارٹ کریں گے اپنے سوالات کا سلسلہ. یہاں پر سینیٹر غوث خان نیازی صاحب، ہم آپ کی جانب آئیں گے، پھر ہم حکومت کا پرسپیکٹیو بھی لیں گے. آج بڑا اہم معاملہ تھا، چیف الیکشن کمشنر اور جو الیکشن کمیشن کے ممبرز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے پر ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ اتفاق رائے قائم نہیں ہو سکا، اور بغیر کسی فیصلے کے ہی وہ جو سیشن تھا پارلیمنٹری کمیٹی کا تھا وہ ختم ہو گیا. تو اب یہ December 6 کو چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں، جس کے بعد الیکشن کمیشن ٹوٹلی غیر فعال ہو جائے گا. تو سوال یہاں پر یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر اپوزیشن اور حکومت کے درمیان یہ ڈیڈ لاک ہے کس بات پر؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چیف الیکشن کمشنر کی سیٹ کا پہلے حکومت کو پتہ تھا کہ سیٹ خالی ہو رہی ہے، اور پھر حکومت کو چاہیے تھا کہ اس کا وقت این وقت پہ نوٹس لیتی اور اپوزیشن سے مذاکرات کرتی اور پھر ایک لیول بنا کے متفقہ طور پر چیف الیکشن کمشنر کا تقرر کیا جاتا. لیکن یہاں جس طرح پہلے الیکشن کے دو ممبران غالباً وہ مارچ اپریل میں ریٹائر ہوئے تھے، اور 6 مہینے جو ہے وہ سیٹیں دونوں خالی پڑی رہیں، اور چونکہ الیکشن کمیشن کے فنکشن کے لیے کم از کم 3 ممبران کا ہونا ضروری ہے، تو 3 ممبران جو تھے وہ تو چلو کوئی کام چل رہا تھا. اب چیف الیکشن کمیشن یعنی کہ کل پرسوں کے بعد بالکل جو ہے یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ بالکل غیر فعال ہو جائے گا، اور بالکل اس طرح پہلے ایک احساس ادارے کے سربراہ کی ایکسٹرنس کے بارے میں ایک خان نیازی صاحب، اپوزیشن کیوں نہیں راضی ہو رہی؟ ایشو کیا ہے؟ آخر کیوں حکومت اور اپوزیشن جو ہے یہ ایک نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے الیکشن کمیشن کا جو ہے کی اپوائنٹمنٹس کرنا، تو آپ لوگوں کا آخر ایشو کیا ہے؟ میں یہاں پر آج آپ کو ایک ٹویٹ بھی سنوا دیتی ہوں جو کہ فواد چودھری صاحب کی جانب سے کی گئی ہے، اور بڑا ویلڈ اس میں جو ہے ایشو اٹھایا گیا ہے کہ اپوزیشن کا الیکشن کمیشن کی تشکیل کے معاملے میں سپریم کورٹ سے رجوع کرنا جو ہے وہ بدقسمتی کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سیاستدان اتنے ہی ناپختہ ہے کہ الیکشن کمیشن تک کے لیے ایک شخص پر اتفاق نہیں کر سکتے، تو پھر ملک کے بڑے مسائل پر کیا اتفاق رائے آپ لوگ پیدا کر سکیں گے؟ تو یہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں اپوزیشن سپریم کورٹ کے پاس چلی گئی ہے؟ تمام معاملات اگر کورٹس نہیں حل کرنے تو پھر پارلیمنٹ کس کام کی ہے؟ دیکھو، چیف الیکشن کمشنر کی تعطیلاتی حکومت کا فرض تھا کہ کنسرن ڈیولپ کر دی. اب دیکھو، ہم تو سپریم کورٹ گئے کہ ایک ادارہ پاکستان کا اور ادارہ جو ہے غیر فعال ہونے لگا ہے، اور کل ختم ہو اس کی ڈیٹ ختم ہو جائے گی، تو ہم نے تو ویٹ کرتے رہے کہ ادھر سے کوئی حکومت ہوں گی. یہ ذمہ داری حکومت کی ہے، حکومت نے قدم آگے بڑھا کے اپوزیشن کو اعتماد میں لے کے اب اس کے تفضیلات دور کر کے اپوائنٹ میں کرنی تھی. اب جب وہ نہیں گئی تو ہم تو کہا کہ جی جس طرح ایک اور ادارے کے سربراہ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، تو یہاں بھی یہ ادارہ بھی غیر فعال ہونے لگا ہے، تو اس کے لیے ہم تو پریشان تھے، ہمیں مجبوراً سپریم کورٹ جانا پڑا. اور آپ دیکھیے کہ ان کی کیا کہتے ہیں، مطلب عجیب لوگ ہیں کہ خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے ممبران کے نام تو دے دیے اور شہباز شریف، لیکن چیف الیکشن کمیشن کا نام نہیں دیا. کیوں نہیں دیا آپ نے؟ جو حالانکہ پہلے اس کو دینا چاہیے تھا. ڈاکٹر اکرم ملک صاحب،
डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, यही सवाल मैं आपके सामने भी रखूंगी कि आखिर मसला क्या है। आप लोग कह रहे हैं कि जी मुतहदा ऑपोजिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई है ये मामला लेकर और उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है, तो आप लोगों की जानिब से क्यों नहीं फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा रही? मेंबर्स आपने अपॉइंट कर दिए, बट चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला क्यों अभी तक अटका हुआ? ये तो अब इनसे पूछा जाए ना कि टाइम से पहले ये क्यों चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। हमारी तरफ से परसों एक कमेटी नामजद हुई थी जिसमें ये आने वाले दिनों में जो कानून साजी है और जो बाकी अपोजिशन के साथ मिलकर जो पेंडिंग मामलात हैं उनको तय करने के लिए, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को, असद उमर साहब को और परवेज़ खटक साहब को नामजद किया गया है, तो इन्होंने बजाय उस कमेटी से राबता करने के ये सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना इनको पता नहीं पसंद है। आजकल उनको वहाँ से रिलीफ मिलना शुरू हो गया तो समझते हैं कि ये सारी चीज़ें वहीं से हल हो जाएंगी। ये इनको अपने आप पर एतमाद नहीं रहा और सारी चीज़ें वो कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से हल करवा लेंगे। तो इनकी मेरा ख्याल है कोई अगर पॉलिटिकल ग्रूमिंग हुई होती प्रॉपर तरीके से तो ये बैठकर पॉलिटिकली बैठकर बात कर सकते थे। और जो इन्होंने तीन नाम दिए हैं वो निगोशिएबल हैं और जो दिए हुए नाम उनके वो कभी इनके दौर के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं इनके लगाए हुए, कभी कोई और किसी ओहदे पर रहा है इनके लगाए हुए थे, तो उन पर बैठकर बात हो सकती थी, लेकिन इन्होंने बजाय इसके बैठकर बात करने के खुद सुप्रीम कोर्ट जाना इन्होंने तरजीह दी। तो लेट्स सी, अब तो एक आधा दिन रह गया है। लेकिन तो अब ये अब सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशन फाइल की गई है उसमें कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो 6 दिसंबर को रिटायर हो जाएंगे और उनके रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो टोटली गैर फाल हो जाएगा, और साथ ही जो इलेक्शन कमीशन के बाकी दो मेंबर्स हैं वो भी जनवरी में रिटायर हो रहे हैं। तो फिर ये पार्लिमानी कमेटी में इत्तेफाक ना होने के बाद जो पिटिशन फाइल की गई उसे बाकायदा लिखा गया है कि जो आर्टिकल 213 है वो भी खामोश है कि अगर पार्लिमानी कमेटी में इत्तेफाक राय नहीं होता तो आर्टिकल 213 भी खामोश है और इसकी खामोशी से जो है एक आईनी बहरान पैदा हो सकता है। तो ये बाप इसको किस तरह रिजॉल्व करेंगे? देखें, ये जो आपको शायद याद होगा जब पिछली दफा ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए थे तो ये भी उसका डेट गुजरने के बाद जाकर कहीं इनकी आपस में सेटलमेंट हुई थी, उस वक्त पीपल्स पार्टी और ये नून लीग थी, तो इनका जो मेरे ख्याल है कई महीनों बाद जाकर इन्होंने वो इलेक्शन कमिश्नर अपना अपॉइंट किया था और काफ़ी उसमें गैप आया हुआ था। ये कोई नई बात नहीं है, ये इनकी अपनी प्रायोरिटीज़ की बात है के बजाय ये हकूमती जो कमेटी है उसके साथ बैठने के, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तरजीह दी है, तो हकूमत को भी कोई इशू नहीं है। अगर ये बैठकर बात करेंगे तो कर लें, वरना सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला करना ही करना है। ये अपने नाम देंगे, उनकी इंटेग्रिटी जिस बंदे की होगी वो इंशाल्लाह, हम चाहते हैं कि न्यूट्रल। गौस मोहम्मद खान नियाज़ी साहब, नून लीग का ये भी कहना है कि इमरान खान साहब फॉरेन फंडिंग केस के बायस इलेक्शन कमीशन को जो है दानस्ता तौर पर गैर फाल रखना चाहते हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन को जल्द से जल्द फाल बनाने के लिए आप लोग जो है सुप्रीम कोर्ट गए हैं और वहां पर आपने पिटिशन दायर की है। लेकिन अगर एज अ ओवरऑल सिचुएशन को देखा जाए तो हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के मामले पर जो है वो तो फ्लेक्सीबल नजर आ रही है, वो तो आपकी तरफ बढ़ रही है, आपसे रबते भी रही है, पार्लिमानी कमेटी भी बना दी गई है, तो अगर आप लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले पर नहीं कंसेंसस पैदा कर पा रहे हैं तो फिर आर्मी चीफ के जो लेजिस्लेशन है उस मामले पर पार्लिमान में कैसे इत्तेफाके राय पैदा होगा? देखिए जी, जो मैं आपको लेटेस्ट बताऊं, ये मेरे भाई है अफ्तर साहब है, गालिबन नाम उनका, वो मिनिस्टर है। देखो, जो हमारी दफा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तकरीर में लेट हुआ था, लेकिन उस वक्त इदारा गैर फाल नहीं हुआ था। देखो, अभी 5-6 महीने गुजर गए जब से दो मेम्बर रिटायर हुए, तो 3 मेम्बरान थे, तो हमने कहा चलो काम चल रहा है तो कभी इनको ये ख्याल आ जाएगा और अपॉइंटमेंट हो जाएगी। लेकिन अब हमारी तशवीश इस लिहाज से थी कि अब इतारा गैर फाल हो गया कि अब इलेक्शन कमीशन कोई फैसला नहीं ले सकेगा, दो मेम्बरान कोई फैसला ले नहीं सकते, इसलिए हमारे फिर दूसरा उसमें नसींदा और बलोचिस्तान की नुमाइंदगी नहीं है, तो फैसले कैसे करेंगे? तो इसलिए हमें मजबूरन जाना पड़ा। अगर एक महीना पहले ज्यादा एज पोस्टिंग उस दिन तो नहीं कर रही, नेगोशिएशन शुरू पहले शुरू होती है, वो कुछ नाम उनके देते, हमें अगर महीना पहले शुरू कर देते तो हमें मुतमिन होते कि हाँ ये करने जा रहे हैं। लेकिन अब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम हुकूमत अभी तक सामने नहीं लाया। अब कर लें, अगर हमारी पार्टी हमारी पार्टी कमेटी बना दी गई है तो आप लोग अब कर लें। नहीं, अब उसमें ये तय हुआ है ना कि कोर्ट से हम डेट ले देंगे
और जो है ना हम कुछ करेंगे कि 8-10 इनकी डेट आ जाएगी, उसके बाद हम फैसला कर लेंगे। और हुकूमत भी इस पर रजामंद हो गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान की जो तातरी नाते इकट्ठे कल्चर से डेवलप करके हम फैसला करेंगे। इस पे तकरीबन हमारा जो है ना फिर सवाल तो ये भी उठ रहा है कि फिर पार्लियामेंट का क्या मकसद है, पार्लियामेंटेरियंस का क्या मकसद है, अगर कोर्ट्स ने ही बैठकर तमाम फैसले करने हैं और कंसेंसस लाना है, डेवलप करना है, तो फिर पार्लियामेंटेरियंस चाहे हुकूमत हो चाहे ऑपोजिशन हो, जो एक एक्सचेकर टैक्सचेकर का टैक्स पेयर का पैसा है वो तो फिर जाया हो रहा है पार्लियामेंट के हवाले से। यहाँ पर डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, अब ये आज शेख रशीद साहब भी कहते हुए नजर आए हैं कि आर्मी एक्ट में जो अमेंडमेंट है उसके लिए उन्हें सादा अक्सरियत जो है उसकी जरूरत होगी और ऑपोजिशन के तावुन की जरूरत ही नहीं है, उसके बावजूद ऑपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो ये हम पहले आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट सुनवा दें कि क्या कहा गया है, और फिर सवाल ये भी उठता है कि आखिर इस किस्म की स्टेटमेंट्स क्यों दी जाती हैं। मामलात में कंसेंसस पैदा करने के लिए माहौल खुशगवार होना चाहिए, उसको बिगाड़ने का मकसद क्या होता है? लेट्स लिसन टू हिम फर्स्ट। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के एक्सटेंशन के लिए सासरियत चाहिए जो हमारे पास मौजूद है, इसके बावजूद हमें अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहिए। मेरे नजदीक 6 महीने बहुत वक्त है, इट्स डन। कोई मुझे जरा सा शक नहीं है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी, जैसे कि आपने भी सुना, वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी सिंपल मेजॉरिटी जो है वो मौजूद है, हमें किसी किस्म के तावुन की जरूरत नहीं है ऑपोजिशन की जानिब से, लेकिन फिर भी हम उसको साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो ये गैर जरूरी बयानात से क्यों नहीं इज्तनाब किया जा सकता? जी, ये आपके सामने ही है कि बजाय हुकूमती पार्लिमानी कमेटी के साथ बात करने के, ये तो सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। तो इनको शेख साहब ने मेरा ख्याल है आईना दिखाया है कि सिंपल मेजॉरिटी से ये चीज़ें होती हैं, लेकिन एक नेशनल काज है, नेशनल काज पे अगर सारी पॉलिटिकल जमातें इकट्ठी होकर बैठकर फैसला करें तो उसका इम्पैक्ट और जाता है, इंटरनेशनली भी और जाता है, नेशनली भी और जाता है, और पार्लिमान का जो सुपरमेसी है वो भी प्रूव होती है। ये तो बैठकर इनको अपोजिशन को भी और हुकूमती बेंचेज वो तो तैयार बैठे हैं, अभी पार्लिमानी कमेटी जैसे बनाई गई है वो बनाई इसी मकसद के लिए गई कि जो भी इश्यूज हैं पेंडिंग पार्लिमान में अपोजिशन के साथ बैठकर मिलकर हल किए जाएं। तो इनको हुकूमत ने तो कदम बढ़ाया है और इनका रابطہ भी हो गया है, अब ये बैठकर बात करें तो चीजें होती रहती हैं। और कोई डॉक्टर मलिक साहब, जो वजीरे आजम इमरान खान साहब की आज मुलाकात हुई है इसी इशू पर परवेज खटक साहब से, तो परवेज खटक साहब का भी कहना है कि अभी तक इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए किसी का नाम फाइनलाइज नहीं किया है। तो अब सवालात ये फिर उठ रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से इस मामले पर इतनी गैर संजीदगी का मुजाहिरा क्यों किया जा रहा है? देखें जी, अपना ये जो नाम फाइनलाइज होना है वो दोनों अपोजिशन लीडर और वजीर आजम के मशवरे के साथ होना है। अगर इन्होंने जैसे अकेले खुद कर लिए हैं तो इमरान खान ने तो नहीं किए अभी तक, वो तो कह रहे थे कि बैठेंगे मेरे साथ बैठकर बात करेंगे पार्लिमानी कमेटी के साथ बैठकर, जो न्यूट्रल बंदा होगा, जो अपराइट बंदा होगा उसको लगाने में। हम तो पिछले 10 साल से पीट रहे हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स की जाएं, इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट किया जाए, ये हमारे मंशूर का भी हिस्सा था, हमारी जो इलेक्शन कंपेन थी उसका भी ये हिस्सा था। तो हम तो पहले तैयार बैठे हैं, ये बजाय बैठकर बात करने के जो जमहूरी तरीका है, ये इन्होंने खुद अपना रास्ता सुप्रीम कोर्ट की तरफ चुना है। तो मैं तो अभी भी कहता हूँ वक्त नहीं गुजरा, कल बैठकर बात कर लें, ये तो एक दिन की बात है, 2 दिन की बात है, ऐसा कोई वो लंबा चौड़ा मसला नहीं है कि हमने कोई इलेक्शन कमीशनर पैदा नहीं करना, किसी को अपॉइंट करना है। हमने देखा कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी की चेयरपर्सन है शीरी मजारी साहिबा, वो भी आज बताती हैं कि इत्तेफाक ये हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो मामला है वो अभी आने वाला है, इसलिए कमेटी जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोनों मेंबर्स पर एक साथ ही इत्तेफाक की राय जो है कंसेंसस ले आएगी और अगले हफ्ते सेशन बुलाकर तीनों नामों पर इत्तेफाक हो जाएगा, कंसेंसस हो जाएगा। पहले हम सुन लें एग्जैक्टली व्हाट इज शी से और फिर हम जो है ऑपोजिशन का व्यू भी आपके सामने रखेंगे जो मुशाहिदुल्लाह साहब की जानिब से आज कहा गया। हुई है और कंसेंसस ये हुआ कि क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी आने वाला है तो कमिटी होलिस्टिकली तीनों अपॉइंटमेंट्स पे इकट्ठे कंसेंसस करेगी, क्यों हम कंसेंसस की तरफ जा रहे हैं तो बेहतर है कि तीनों पोजीशंस पे इकट्ठे ही डिबेट हो जाए। तो इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है अगले हफ्ते हम मीटिंग कॉल करके तीनों पे कंसेंसस से। यहाँ पर शीरी मजारी साहिबा को लग रहा है कि वो कंसेंसस की तरफ जा रहे हैं जबकि ऑपोजिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा चुकी है, और मुशाहिदुल्लाह साहब जो है वो कह रहे हैं कि कम से कम चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जरूर जो है इत्तेफाक राय कायम हो जाना चाहिए। लेट्स लिसन टू हिम एज वेल।
कोशिश ये होगी कि ये यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत, बल्कि मैं ये समझता हूँ ज्यादा, कम से कम चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो फिल फॉर इसलिए होना चाहिए, वो कायम मकाम वाला बात ठीक नहीं है, ताकि तीन बंदे हों तो वो तो फाल तो रहे ना, कम से कम गैर फाल अगर होगा तो उसका मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान। देखिए बात, मैं जो बात कर रहा था ना वो ये कर रहा था कि पॉलिटिक्स में आपको मतलब के गिव एंड टेक तो करना पड़ता है ना, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये काम जो है ये इंतहाई सेंसिटिव है, इस पे जितनी संजीदगी हुकूमत को दिखानी चाहिए थी वो इन्होंने नहीं दिखाई, इसलिए अब सिचुएशन ये आ गई है कि हम 15 दिन मांगने पे तैयार हैं, हाई कोर्ट उससे मांगेंगे, जाहिर है वो मिल जाएंगे, लेकिन ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, इसको पहले क्यों नहीं किया, कोई ना कोई तो जिम्मेदार है। ये मुशाहिदुल्लाह साहब कह रहे हैं कि कुछ लोग कुछ दो के फॉर्मूले पर काम होता है और हुकूमत ने गैर संजीदगी दिखाई है, तो क्या फिर ये समझा जाए कि शायद हुकूमत कुछ लेने या देने पर तैयार नजर नहीं आई अपोजिशन के हवाले से? तो अब ये डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, अब ये अपोजिशन ने तो फैसला कर लिया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया, तो क्या हुकूमत अभी भी होपफुल है, पुर उम्मीद है कि आपकी पार्लिमानी कमेटी जो है उसी के जरिए कोई कंसेंसस आप कायम कर लेंगे या मामला को तय कर लेंगे? देखें जी, सुप्रीम कोर्ट इनकी अकेले की नहीं है, उतनी है जितनी एक पाकिस्तानी किसी की भी हो सकती है, तो जिस तरह इनका हक है सुप्रीम कोर्ट पर, उस तरह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का भी हक है, तो वो वहाँ से कोई अल्लाह रहम करे कोई इस तरह का डिसीजन नहीं आने वाला कि किसी को सुने बगैर वो ऐसे फैसला कर देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पोलिटिकल लोग हैं, पोलिटिकली बैठ कर टेबल टॉक पर ये मामला इनको सॉल्व करने चाहिए, मेचोरिटी दिखानी चाहिए, अब बजाय ये हुकूमत से बात करने के, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, जब पार्लिमानी कमेटी बन चुकी है तो इनके साथ बैठकर ये बात करें, वो उन्होंने इनसे रब्ता भी किया है, अब ये कल बैठ जाए, कौन सा ऐसा मामला है कि इनको वीज़े लगवाने पड़ेंगे, यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं सारे, हमारी पार्लिमानी पार्टी मौजूद है, ये मौजूद है, कल बनाए टाइम बैठ कर बात करें, इस पर कोई ऐसा मामला तो नहीं है कि जो नाहल होने वाला हो। तो क्या यहाँ पर सेनेटर गौस मोहम्मद खान साहब कल कोई गुंजाइश नजर आ रही है, आखिरी दिन है, क्या कल जो है ऑपोजिशन, मुतहदा ऑपोजिशन बैठने पर राजी होगी कि आपको कोर्ट्स पर ना रिलाई करना पड़े, ना जाना पड़े, और ये फैसला जो है पार्लियामेंटेरियंस ऑल इन ऑल खुद बैठकर एज अ टीम वर्क जो है कंसेंसस कुछ पैदा कर लें? देखिए नीलम, बात यह है कि अभी आपने सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब मुलाकात परवेज खटक से हुई है, तो बाद में परवेज खटक का जो बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक चीफ इलेक्शन कमीशन का नाम ही नहीं दिया, जब नाम ही नहीं दिया तो कंसेंसस कैसे डेवलप होगा, ये चीजें खुद ही डिले करना चाहते हैं, मतलब उसको समझ गए कि सर आइन वायलेशन कर रहे हैं, मुल्क के हालात किसी हवाले से, अगर मैं ये बात तो बड़े बसूर से कह रहा हूँ कि अगर मुल्क में कोई, अगर ये मुल्क निज़ाम चल रहा है जो पॉलिटिकल जमहूरी सिस्टम चल रहा है, तो ये बात अपोजिशन की जिम्मेदाराना अपोजिशन की वजह से चल रहा है, वरना खान साहब ने तो कोई दकीका नहीं छोड़ा कि इस मुल्क के निज़ाम को तहस नहस कर दिया जाए। अब असम्बली में जब वो देखो, इससे पहले जो भी पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन से लेकर इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान तक, किसी भी मौके पर उन्होंने संजीदगी नहीं दिखाई, मतलब एक वजी आजम जब हाल में एंटर होता है तो बजाय इस तरीके अपोजिशन के मेम्बरान से हाथ मिलाए, वो कुर्सी के बैक साइड से आता है ताकि जो जो अपोजिशन लीडर उसे हाथ ना मिलाए। ये तो गौस मोहम्मद खान साहब, ये जो इश्यूज हैं, ये पर्सनल इश्यूज को हाथ मिलाना ना मिलाना, कुर्सी पर बैठ जाना बगैर देखे गुजर जाना, ये इनको आप नेशनल इश्यूज के मामलात पर क्यों ला रहे हैं? और ये अफसोस का मकाम है कि हमारी हुकूमत और ऑपोजिशन पार्लियामेंट को जो है वो बेतौकीर कर रही है, आप लोग आपस में बैठकर एक वर्किंग रिलेशनशिप नहीं कायम कर पा रहे, इवन ऑन पब्लिक इश्यूज, इवन ऑन नेशनल इश्यूज, ये इंतहाई अफसोसनाक जो है बात है। बहरहाल हम उम्मीद करेंगे कि कल जो आखिरी दिन है उसमें कोई ना कोई रास्ता निकलता नजर आए और कोर्ट्स के बगैर पार्लियामेंट अपने तौर पर जो है कोई फैसला, कोई कंसेंसस जो है वो पैदा करता नजर आए। हम अगले टॉपिक की जाने मूव ऑन करेंगे, शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर हम अपनी डिस्कशन का आगाज करेंगे। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
ویلکم بیک ناظرین، ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ آج بھی پارلیمنٹیرینز میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ پر کسی قسم کا کوئی کنسنسس سامنے نہیں آ سکا، اور اب متحدہ اپوزیشن نے اس اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، اور دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ آج شہباز شریف صاحب نے بھی لندن سے پریسر کی، جس پہ انہوں نے نیب کی جانب سے ایسٹس فریز کیے جانے پر انہوں نے کہا کہ جس طرح نعیم بخاری نیب کی جانب سے پیش ہوئے اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ نیب اور عمران نیازی کا گٹھ جوڑ ہے، عدالت نے آشیانہ کیس میں مجھے سرخرو کیا اور نیب نے شرمندگی سے بچنے کے لیے میرے ایسٹس منجمد کیے ہیں۔ اب ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے اس بیان کی کیا ضرورت پیش آئی ان کو اس بیان دینے کی، اور پھر شہباز شریف صاحب کی جانب سے یہ نقطہ اٹھانا کہ نعیم بخاری کو نیب کی جانب سے پیش کیا گیا جو کہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے، اس پر کیا رائے ہوگی، ہم یہ بھی اپنے گیسٹ پینل سے معلوم کریں گے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا آج کی ان کی پریسر میں کہ ان ہاؤس تبدیلی کے سوال پر جب ان سے پوچھا گیا ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ جتنی جلدی ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے اسی میں قوم کی بہتری ہے۔ اگر آپ ہمیں اجازت دیں ڈاکٹر اختر ملک صاحب، تو ہم یہاں پر اپوزیشن کا پرسپیکٹیو لے لیں۔ غوث محمد خان نیازی صاحب، یہ آج شہباز شریف صاحب لندن سے بیٹھ کر بڑا اگریسو پریسر کرتے ہیں، اور وہ وزیراعظم عمران خان کو ساتھ میں نیب کو انتہائی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ اب نعیم بخاری کو نیب کی جانب سے پیش کیا گیا ہے، جس سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ نیب پی ٹی آئی کا حصہ ہے، حکومت جو ہے اور نیب جو ہے ان کا گٹھ جوڑ ہے، تو اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھو، پی ٹی آئی اور نیب کا گٹھ جوڑ، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر گٹھ جوڑ نہ ہوتا تو حکومت میں لوگ جو بیٹھے ہیں ان پہ نیب کے کیس ہیں، وہ آرام سے پھر رہے ہیں، اور ایک ایسا کنوکٹڈ بندہ جس کو جہانگیر ترین کہتے ہیں، اور جس پہ وہی کیس تھا جو کہ نواز شریف صاحب پہ کیس تھا، لیکن نواز شریف صاحب اسکر سے جیل میں رہے، اب علاج کے لیے ملک سے باہر گئے ہیں، اور وہ کابینہ کے اجلاس میں بیٹھتے ہیں اور اپنے 22-22 سو ارب کے پروجیکٹ منظور کراتا ہے۔ تو یہ ہم ان کا گڑھ چھوڑ ہے کہ جو حکومت پہ اپنا پرویز خٹک صاحب ہے، عمران خان خود پہ جو ہے نیب وہ اس پہ کیس ہے، بابا روان ہے اور دوسرے بندے جن پہ کیس بنی ہوئی ان کو پوچھتا نہیں، اور ہمارے پہ جو بندے ان کو بھی کیس بھی، ابھی شہباز شریف صاحب کا کیس آپ دیکھ لیں، یعنی کہ ان کو بلایا کس کے لیے، کس کے لیے اور گرفتاری کس میں ڈالی گئی، صاف پانی کے بلایا گیا اور اشانہ کے گرفتار کر لیا، اور اشانہ کیس تو اشانہ اسکیم تو وہ شروع بھی نہیں ہوئی تھی، تو شہباز شریف صاحب کو جب شک پڑا کہ اس میں کوئی سکینڈل بنے گا جو کرپشن ہوگی، تو انہوں نے تحقیقات کی اور اس کو سپریم کورٹ نے تسلیم کیا ہے، تحقیقات کی پھر اینٹی کرپشن میں کیس بھیجا، تو اور اسی بیس پہ ان کے مطلب سپریم کورٹ سرخرو بھی ہوئے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ باقی جو کیس ہیں جو میاں نواز شریف صاحب ہیں، مریم پہ ہیں یا عباس شریف ہیں، وہ بھی اس طرح ہم انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ سرخرو ہوں گے، وقتی طور پہ ان کا گھر چھوڑ نظر آ رہا ہے۔ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے آشارہ کیس میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ رہا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ بری ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ڈاکٹر اختر ملک صاحب، یہاں پر یہ جو آج پریسر میں یہ ایسپیکٹ اٹھایا گیا شہباز شریف صاحب کی جانب سے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نعیم بخاری نیب کی جانب سے پیش ہوئے ہیں، اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ نیب اور عمران خان نیازی کا گٹھ جوڑ ہے، اور انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ عدالت نے آشیانہ کیس میں مجھے سرخرو کیا ہے، اور نیب نے شرمندگی سے بچنے کے لیے پھر میرے اثاثے جو ہیں وہ فریز کرنے کے آرڈرز دیے۔ دیکھیں جی، یہ تو آپ سنی سنائی باتوں پہ میرے خیال ہے یقین نہیں کرنا چاہیے۔ جو انہوں نے درخواست واپس لی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نئے گراؤنڈز آ گئے ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ درخواست لے رہے ہیں۔ نعیم بخاری ایک پروفیشنل لائر ہیں اور وہ کسی کی طرف سے پیش ہو سکتے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے کوئی خرید کردہ نہیں ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ پاکستانی شہری ہیں۔ ان کے اپنے کیسز کئی دفعہ یہ اعتزاز احسن صاحب مسلم لیگ نون کی طرف سے پیش ہوتے رہے ہیں، کئی دفعہ ہمارے کئی اپنا اور دوست ہیں جو دوسری پارٹیوں کی، میری اگر بات مکمل ہونے دیں نا جی پلیز، یہ نیب سے نیب اور نیازی گٹھ جوڑ، یہ اپنا سکن سیف کرنے کے لیے یہ نعرہ لگا رہے ہیں، لیکن اس پہ ان کی سکن سیف نہیں ہوگی۔ نیب کا جو چیئرمین ہے وہ انہی کا لگایا ہوا ہے، یہ بار بار بھول جاتے ہیں، ان کو یاد کرانا پڑتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا جائنٹ جو وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر انہوں نے مل کر لگایا تھا
हमारा तो नैब में एक चौकीदार नहीं है, एक नैब कासिद नहीं, हमारा भर्ती शुदा नैब न्याजी गठजोड़ कैसे हो गया? अगर गठजोड़ होना चाहिए था तो इनका होना चाहिए था, इनके तो अपने अमाल हैं जिसकी वजह से ये अपने उसमें केसेस में फंसते चले जा रहे हैं और दिन ब दिन झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आप इनकी किस बात का अंदाज़ा लगाएंगी कि जो वज़ीर आज़म इनके साबका नवाज शरीफ साहब कहते थे कि एवन फील्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट में उनकी स्टेटमेंट निकलवा के देखें कि मुझे मेरे इल्म में नहीं है, इनसे पूछे ये अभी तो पूछ लेते कि वो जो एवन फील्ड में रह रहे हैं वो किसके हैं, इनके हैं, इनके बच्चों के हैं, इनके इल्म में नहीं था, अब तो होगा ये शायद पहुँचे हुए वहाँ पर, इनकी किस किस बात पर आप कहेंगे कि ये सच बोलते हैं? हर बात पर तो इनका झूठ है और नई कहानी हमेशा 10 दिनों बाद 15 दिनों बाद निकलती है। इनके तो करप्शन के बाब हैं, ये तो अभी एक केस है और साफ पानी में जो जिसमें ये बुलाया गया था अरबों रुपए लगा दिए और पंजाब के एक बंदे को साफ पानी का खतरा नहीं मिला, तो वो पैसे किधर गए? ये तो अभी हमारे दौर के तो केस बने ही नहीं है, इनके अपने दौर के केसेस हैं जो इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बनाए हुए थे। गौस मोहम्मद खान न्याजी साहब, एक तो ये बता दीजिएगा कि इन हाउस तब्दीली की भी वो बात करते हुए नजर आए शहबाज शरीफ साहब आज, अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो हमेशा एक मुफाहमती सियासत या मसलहत की बात करते हुए नजर आते थे, लेकिन अब उनका एकदम से मोड जो है वो चेंज होता नजर आ रहा है, वो बड़ा अग्रेसिवली जो है खान साहब पर तनकीद करते नजर आ रहे हैं। और फिर आज हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून का जो पार्लिमानी कमेटी का सेशन होता है उसमें कहा जा रहा है कि फैसला हुआ है कि आर्मी एक्ट में तरमीम के हवाले से जो फैसला है वो नवाज शरीफ साहब करेंगे और उसके लिए कल जो है एक आला सतही डेलीगेशन वो कल लंदन भी जा रहा है, तो क्या अब मुस्लिम लीग नून के तमाम बड़े फैसले लंदन में ही होते हुए नजर आएंगे? जितने भी फैसले हैं तो वो एक पार्टी सरबराह की जेर निगरानी होते हैं, चाहे लंदन में हो, लंदन बैठ के हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे रायवेंड में हो, चाहे पार्लियामेंट में हो, वो जो कि बीमार है तो वो वहाँ लंदन में है तो वहीं वो इधर चूंकि इलाज के सिलसिले में है तो इधर हमारी 4-5 मेम्बरान जा रहे हैं पार्टी के, वो मशावरत करेंगे उनसे। और देखो जो शहबाज शरीफ साहब जो इन हाउस तब्दील का नारा लगा रहे हैं उन्होंने मजबूरी में आके लगा रहे हैं कि कोई सूरत नजर नहीं आ रही। देखो एक आर्मी चीफ का इतना काबिल एहतराम होता है और मतलब मुल्क की दिफा और उस लिहाज से एक मतलब कितना अहम होता है, जबकि कश्मीर में के साथ कश्मीर और इंडिया के साथ हमारे फौज लगी हुई है, उधर अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, अभी 4-5 दिन पहले भी फायरिंग हुई है और हमारे जो है कई हमारे फौजी भाई जो है वो जख्मी हो गए हैं, तो इन हालात में ऐसे उहदे को भी इन्होंने मुतराजा बना दिया है और इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल गैर फाल कर दिया है। तो अब ये इदारे मतलब खराब करते जा रहे हैं तो अब हमारे पास कोई सूरत नहीं रही कि 1.5 साल करते में अगर कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या करेंगे। मुईशत का बुरा हाल है, कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, रुपए की कदर में देख लो, महंगाई में इजाफा देख लो, सब्जियों के रेट में देख लो, जो लेकिन इकोनॉमी के हवाले से तो पिछले दिनों अच्छे इंडेक्सेस हमारे सामने आए हैं, मूडीज की रिपोर्ट ने एक पॉजिटिव जो है वो दिया है इशारा। यहाँ पर डॉक्टर अख्तर मलिक साहब आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा तो हम अगले टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे। देखें जी मैं समझता हूँ कि इनको अब फिक्र ये लाहक हो गई है कि इनकी दुकानें बंद होने वाली हैं, एक दूसरे नंबर पे इनका जो लूटा हुआ पैसा है, आपने 190 मिलियन पाउंड वाली भी कहानी आजकल मीडिया के सफ़ों पर सफ़े ज़बान ज़द आम है पब्लिक के, वो इनको तकलीफ ये हो रही है कि हमारा पैसा भी जाएगा और हमारी दुकानें भी बंद हो रही हैं। और हुकूमती सेक्टर्स क्यों खामोश हैं? आपने अच्छा, अभी खुद ही जब इसका जिक्र कर दिया तो सोशल मीडिया पर और अवाम में तो जो है ये चलता अच्छा, चल रहा है लेकिन हुकूमत अच्छा, क्यों खामोश नजर आ रही है? और बात जो ये मिशन का कहते हैं जानिब से कोई प्रेशर नहीं हो रही, फिरदौस आशिक आवान ने कहा भी था कि वो करेंगे शायद प्रेशर, बट वो प्रेशर अभी तक होती भी नजर नहीं आ रही, तो ये खामोशी क्यों है इस मामले पर? जी इंशाल्लाह वो सारी चीजें बिल्कुल टाइम पे वापस आ जाएंगी, सामने आ जाएंगी लोगों के। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि मईशत कैसे कहते हैं ये अपना इन्होंने तबाह कर दी, मईशत तो 35 साल ये तबाह करके गए हैं। मैं कल भी एक चैनल पे था, मैं इनसे पूछता रहा हूँ कि कोई एक इदारा तो ऐसा बता दें
कि जो ये प्रॉफिटेबल और सही डायरेक्शन में छोड़ कर गए हों 35 साल में, आप मूडीज की रिपोर्ट देख लें, आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख लें, आप तमाम इंटरनेशनल जो मालियाती इदारे हैं उनकी रिपोर्ट देख लें कि अब डायरेक्शन पाकिस्तान की मईशत की सही सिमत पे चल पड़ी है, डायरेक्शन ठीक हो गई है और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इम्प्रूव होगी। आपकी स्टॉक मार्केट का देखें, मूडीज की रिपोर्ट अच्छी आई है। अब बिगर क्वेश्चन ये है कि इन तमाम पॉजिटिव इकोनॉमिकल इंडेक्सेस का इम्पैक्ट जो है वो एक आम आदमी की जिंदगी में कब आता हुआ नजर आएगा। आज के शो का जो है हम अगले टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे। यहाँ पर दूसरी जो आज डेवलपमेंट सामने आती है वो परवेज मुशर्रफ गद्दारी केस में जो उनका वीडियो बयान है वो हॉस्पिटल से इशू किया गया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कमीशन, अदालती कमीशन बेशक इधर आ जाए, मैं उन्हें बयान देने के लिए तैयार हूँ, वो लोग आए मुझे सुने और खुद देखें कि मेरी तबीयत कैसी है। और वो कह रहे हैं कि मेरी नजर में ये ज्यादती हो रही है और इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा। वो ये भी कहते हैं कि मेरी नजर में ये केस बिल्कुल बेबुनियाद है, मैंने गद्दारी तो क्या बल्कि 10 साल तक मैंने मुल्क की खिदमत जो है वो अंजाम दी है। हम आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सुना दें कि एग्जैक्टली व्हाट डिड ही से एंड देन वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन ऑन दिस। तबीयत तो बहुत खराब है, शुरू से खराब है और मैं यहाँ हॉस्पिटल में आता जाता रहा हूँ। आज सुबह मुझे डिजीनेस हुई और मैं ब्लैकआउट हो गया, मुझे फिर उठाकर यहाँ ले आए हैं। ये केस मेरी नज़र में बिल्कुल बेबुनियाद है क्योंकि मैं तो गद्दारी छोड़े, मैंने तो इस मुल्क के लिए बहुत खिदमत सर अंजाम दिए हैं, जंगे लड़ा हुआ हूँ मैं और मुल्क की खिदमत मैंने 10 साल की है। अब यहाँ इस केस में मुझे सुनाई नहीं दे रहे, सुनवाई मेरी नहीं हो रही है, मेरा जो लॉयर है सलमान सफ्तर उस तक को सुन नहीं रहे हैं, तो मेरी नज़र में ये बहुत ज्यादती हो रही है, इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा है। अब वो कमीशन कहते हैं कि आते हैं बनी है, वो कमीशन बेशक जहाँ तक मेरा ताल्लुक है वो बेशक इधर आए। डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, परवेज मुशर्रफ साहब कह रहे हैं कि मेरी नज़र में ये ज्यादती हो रही है और इंसाफ के तकाजे जो है वो पूरे नहीं हो रहे, किसी को सुने बगैर इस तरह फैसला नहीं होना चाहिए। जब ये इन्होंने परवेज मुशर्रफ के वकील ने दरख्वास्त दी थी कि जी मुझे सुने बगैर आप फैसला ना दें, इसको होल्ड कर लें, तो उसको प्रॉपर एक मौका जरूर देना चाहिए और अगर जुडिशियल कमीशन बनता है जाकर वहाँ से स्टेटमेंट लें। फैसला तो अदालत ने मेरिट पर करना है और इंशाल्लाह मेरिट पर होगा, किसी को सुने बगैर फैसला मेरा ख्याल है वो एक वो बनता भी नहीं है, और फैसला सुनने करने से पहले उनको सुन लेना मेरी राय में बेहतर होगा। बाकी अदालत मजाज है, जो फैसला करेगी सबको कबूल होगा। और मोहम्मद खान नियाज़ी साहब वो ये भी आज कहते हैं अपने इस वीडियो बयान में, वो कह रहे हैं कि मेरी नजर में तो ये केस बिल्कुल बेबुनियाद है और मैंने गद्दारी तो क्या 10 साल मुल्क की खिदमत अंजाम दी है। ये नहीं है, वो तो एक अलग तक बहस है, लेकिन उसको देखो परवेज मुशर्रफ अगर बीमार है तो हमें हम उसे उसकी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला को सेहत दे और पाकिस्तान है और बयान कल बंद रहे। लेकिन मेरे ख्याल में परवेज मुशर्रफ को वीडियो लिस्ट पे बयान देने की सहूलत मुयसर की गई थी जो उन्हें अवेल नहीं की। अब इस बारे में मैं ज्यादा नहीं इसमें कहते कि इस एक मुल्क में परवेज मुशर्रफ के केस को तो उतना डिले किया गया, इनको मौका भी दिया कि वीडियो लिस्ट के जरिए और अगर और लेकिन उन्होंने एक अपना बयान कलमबंद नहीं कराया, तो मेरी तो वो दुआ भी कि अल्लाह उसको कलमबंद हो और फिर इस केस का फैसला हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन मैं उस दूसरी तरफ देखता हूँ कि हमारे वजी नवाज शरीफ को क्या था, उसके साथ क्या किया गया, उनके साथ के उनपे नैब के केस बनाए गए और फिर रोजाना जो है सुप्रीम कोर्ट की रिजर्वेशन होती थी और एक सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज जो है वो नैब कोर्ट पे था कि जी रोजाना की बात कारकर्दगी रोजाना पेश होती थी, उनको सजा दिलवाई गई जो कोर्ट ने सजा दी हमने उसको तस्लीम किया, तो हमारे साथ ऐसा है। लेकिन परवेज मुशर्रफ तो बीमार, अगर आप सीरियस हुए हैं लेकिन वो उस तक कई साल से हैं, उनको तो पूछा नहीं गया
اب پھر کورٹ نے ان کو کیا ہے کہ فیصلہ سنانے سے بھی فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد بھی جو ہے فیصلہ جو ہے نا وہ سنانے سے منع کر دیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ صاف ہو یا کیس ہو یا انصاف ہو, سب کے یکساں ہو. تینوں کے پوزیشن کے لیے تو روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے, اور جو اپنے ہوں ان کے لیے وہ لمبی لمبی ڈیٹس دی جائیں. تو اس سے ملک میں انصاف جو ہے نا انصاف کے جو پیمانے کہے گئے تھے وزیر اعظم کی جانب سے کہ امیر کے لیے بھی اور غریب کے لیے بھی ایک جیسے ہونے چاہیے, تو پھر یہ سیاست دانوں کے لیے یہ ایک ڈفرنٹ جو ہے اسکیل کیوں استعمال ہوتا ہے انصاف کا؟ ایک اور جو شخصیت ہے یہاں پر فارمر پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب, ان کی بھی میڈیکل گراؤنڈز پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج درخواست ضمانت تھی اس پر ہیئرنگ ہوتی ہے. اس میں کورٹس کی جانب سے پیمز ہاسپٹل کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ان کی سربراہی میں میڈیکل بورڈ بنانے کا جو ہے حکم دیا گیا ہے. اب اس کی جو ہیئرنگ ہے وہ ڈسمبر 11 کو جو ہے ایڈجرن کر دی گئی ہے. اب یہاں پر ڈاکٹر اختر ملک صاحب کے کیا کہیے گا, میڈیکل بورڈ سے آصف زرداری صاحب کی صحت پر کیا رائے طلب کی جائے گی, اور پھر عدالت سے زرداری صاحب کو جو ہے میڈیکل گراؤنڈز پر کیا ریلیف ملتا ہوا نظر آئے گا؟ نواز شریف صاحب کو تو ریلیف مل گیا میڈیکل گراؤنڈز پر, اور شاید پرویز مشرف صاحب کو بھی ملتا ہوا نظر آئے گا. دونوں کیسز میں مطلب ہے کوئی مماثلت نہیں ہے. نواز شریف صاحب تھے وہ کنوکٹڈ تھے, سزا یافتہ تھے اور ایک قیدی کی حیثیت سے جیل میں تھے, تو ان کے لیے بورڈ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا, بورڈ نے ریکمینڈ کیا, عدالت نے ان کو بیل دے دی, اور باقی جو پروسیس ہوا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ابھی ان پہ زرداری صاحب پہ کوئی چارجز فکس نہیں کیے گئے, وہ ابھی انڈر ٹرائل ہیں. ان کے اوپر بورڈ بنا ہے, تو جو بورڈ ریکمنڈیشن دے گا اور عدالت مجاز ہے اگر وہ ان کو بیل آؤٹ کرنا چاہتی ہے, تو عدالت پہ تو کوئی کسی کی قدگر نہیں, اپنے میرٹس پہ دیکھ کر وہ فیصلہ کرے گی انشاءاللہ. تو پاکستان تحریک انصاف کا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ کیسز ان کے اپنے دور کے بنائے ہوئے ہیں. میرے بھائی ہیں غوث نیازی صاحب, یہ جو نواز شریف صاحب والی بات کر رہے ہیں, کوئی نواز شریف پہ ہمارا کوئی کیس نہیں ہے بنایا ہوا, یہ ان کے اپنے دور کے ایک دوسرے کے جب پیٹ پھاڑنے کی باتیں کرتے تھے, گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے, تب کے کیسز ہیں. اور عدالت مجاز ہے, ادارے آزاد ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا کسی ادارے پہ دباؤ نہیں ہے, کسی پہ عمل دخل نہیں ہے. جو ادارے انصاف دینے والے ہیں, ہماری شروع دن سے یہی نعرہ ہے, خواہش ہے کہ یہ ادارے اپنے طور پر کام کریں اور لوگوں کو ڈیلیور کریں. ہمارا نعرہ بھی یہی تھا کہ ایک دو نہیں, ایک پاکستان, ہم ایک پاکستان چاہتے ہیں اور عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں. جی آلرائٹ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اختر ملک صاحب آپ کا, سینیٹر غوث محمد خان نیازی صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, ہماری نظر ضرور گی جو نیشنل ایشوز کے معاملات ہیں, جیسا کہ چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ ہے, اس کی تقرری کے معاملے پر کیا حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے کل جو ایک دن بچا ہے اس میں کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ کیا جائے گا؟ اگر ہو جاتا ہے یہ فلیکسیبلٹی, یہ کوآرڈینیشن نظر آتی ہے, تو یہ ایک اچھا تاثر جو ہے وہ قائم ہوتا ہوا نظر آئے گا, اور پارلیمنٹ جو ہے اس کی کوئی ویلیو ہمارے سامنے آئے گی. ورنہ تو اگر کورٹس نے ہی تمام معاملات میں فیصلے کرنے ہیں تو پھر پارلیمنٹ یا پارلیمنٹیرینز, ان کے اوپر ایک بہت بڑا سوال جو ہے وہ ضرور اٹھتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, سی یو آل ٹمارو نائٹ. انٹل دین اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ.